बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। वज़ाइफ़ के मुकद्दस सिलसिले के साथ हाज़िर ख़िदमत है नाज़रीनी किराम। इस्लाम का जो ख़ानदानी निज़ाम है ये बाम मोहब्बत, भाईचारे और उम्सियत पर मबनी है। पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी जो ख़ानदानी निज़ाम है ये मिसाली है। बाज़ दफ़ा अमलियात के ज़रिए मियाँ बीवी या माँ बाप और बच्चों के दरमियान जुदाई डाल दी जाती है। जब अमलियात के ज़रिए गंदे आमाल के ज़रिए अगर ये किया गया हो तो इसकी काट उतारा और मुकम्मल खलासी बहुत ज़रूरी हुआ करती है। लेकिन मामूली बातों पर भी बाज़ फैमिलीज़ के अंदर झगड़े शुरू हो जाते हैं। चूँकि किसी भी ख़ानदान की बुनियादी इकाई मियाँ और बीवी हैं, जब उनमें इख्तलाफ हो तो आज का इसमें आज़म बड़ा ही मुजर्रब है कि मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने के लिए, उनसियत पैदा करने के लिए और उनके दरमियान झगड़े और निफाक को ख़त्म करने के लिए वो इसमें आज़म है अलमानियो, रोक देने वाला। इसके आदाद 161 हैं। अगर बीवी से झगड़ा या नाचाकी हो तो बिस्तर पर लेटते वक्त 20 मार या माने हो ये इसमें मुबारक पढ़ लिया जाए तो इंशाल्लाह झगड़ा और नाचाकी ख़त्म हो जाएगी और बामी उनसो मोहब्बत पैदा होगी। जो शख्स बकसरत या माने हो का विर्द रखेगा इंशाल्लाह वो हर शर से महफूज रहेगा, वो चाहे इंसानी शर हो या शैतानी शर हो, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा। अगर कोई किसी ख़ास मकसद और हाजत के लिए इस इस्म आज़म को पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उसे वो मकसद हासिल हो जाएगा। अगर कोई इस इस्म आज़म को 100 बार पढ़े तो इंशाअल्लाह दो इंसानों के दरमियान लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, जो अपनी मुराद तक ना पहुंच सके, जो भी काम करता है चाहे वो बिज़नेस है या कोई आयली मामलात हैं, दरमियान में रुक जाते हैं, तकमील तक नहीं पहुँच सकते, तो वो सुबह शाम इसमें आज़म या मानियों का विर्द शुरू कर दे, इंशाअल्लाह उसकी मुराद पूरी होगी और परवरदिगार आलम उसको अपने मकासद में कामयाबी और तकमील अता फरमाएंगे। मज़ीद रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर मौजूद फ़ोन नंबर के ज़रिए आप हमसे राबता कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया।